खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कि जनता की असली ताकत क्या होती है। लेकिन साथियों, 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद जो खबरें आ रही है उससे कुछ लोगों के चेहरे लटक गए हैं। अब इन्होंने फिर से ईवीएम का राग छेड़ दिया है। चुनाव आधा पूरा हुआ है, आधे चुनाव तक वो पूरा समय मोदी को गाली देते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। तब उन्होंने अपना गाली देने वाला जो तरीका है वो मोदी से हटा करके ईवीएम पर ले गए हैं। अब आधा चुनाव ईवीएम को गाली देने में निकाल देंगे। आखिर मैं इनके हाथ में क्या लगेगा भैया, इतनी गालियां, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें, अब ईवीएम को भी नहीं छोड़ रहे, इनके हाथ क्या लगेगा? इनके हाथ लगेगा 0/0। भाइयों और बहनों, सपा और बसपा वाले मेरी जाति का सर्टिफिकेट बांटने में जुटे हैं और कांग्रेस के नामदार मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को ही गाली देने में लगे हैं। इनकी राजनीति का यही सार है। ये जात पात पंथ संप्रदाय उससे आगे सोच ही नहीं सकते। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात इनके पल्ले नहीं पड़ती है। और अगर ये यही करते रहेंगे तो उनकी दुकानों को अलीगढ़ का ताला लगना पक्का है। लेकिन भाइयों और बहनों, जमीन से पूरी तरह कट चुके लोग इस बार अपने ही खेल में फंस गए हैं। इनको पता ही नहीं चला कि 21वीं सदी का वोटर, 21वीं सदी का मतदाता, ये नौजवान जिसके जिंदगी के सपने सारे अधूरे हैं, जो ख्वाब लेके चला है, ख्वाहिश लेके बड़ा है और खपने के लिए तैयार है, 21वीं सदी में जो पैदा हुआ, पूरी 21वीं सदी उसके सामने पड़ी है, वो क्या चाहता है ये न नेताओं को समझ आ रहा है, न पॉलिटिकल पंडितों को समझ आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जाति के समीकरण बिठाते रहे और हमारे युवा बेटा बेटी विकास की राजनीति के साथ आज खड़े हो गए हैं। मैं मेरे सामने देख रहा हूं 80% नौजवान है, 80%। और मुझे बताया गया, मैंने कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ा, मुझे पढ़कर के खुशी हुई, मुझे बताया गया कि
आम तौर पर जो सरकारी मशीनरी होती है वो चुनाव में ये करो ये ना करो दिखना करो फलाना ना करो इसी में लगी रहती है। मुझे बताया गया कि यहां जिले के जो चुनाव के अधिकारी हैं वे 100% वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहूंगा कि जो बात मैंने सुनी अगर वो सही है तो इलेक्शन कमीशन ने ये किस प्रकार से जन जागृति कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, राजनीति से परे होकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसे मेहनत करने वाले अफसरों की तरफ देखना चाहिए और उसमें से पूरे देश में इस चुनाव नहीं तो आगे वाले चुनाव में ये क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं जो मैंने सुना है वो अगर सही है तो, क्योंकि मुझे इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे नौजवान नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह है कि उस पर अतीत का बोझ नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ भविष्य के सपने हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे मैं ये सबसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो दल की नहीं कर रहा हूं, देश की कर रहा हूं। आपको मंजूर है? आप सब हाथ उपार करके बताएं तो बताऊं मैं, वरना कभी कभी क्या होता है कि लगता है जरा चुनाव का इधर उधर कर दे तो मजा आता है। लेकिन मैं कुछ मूलभूत बात बताने का मेरा आज आपके बीच आया हूं, बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, तो मेरा मन करता है जिस धरती पे रानी झांसी को हमेशा याद किया जाता है उस धरती पर दल से उठ पड़ के देश की बात होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे देश की बात करूं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे? क्या कभी किसी ने सुना है? क्या सुना है? क्या हर कोई भारतवासी था कि नहीं था? अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काटने के लिए हमारे छोटी छोटी काल कोठरियों में देश के भारत मां के वीर सपूतों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्या कभी किसी ने सोचा कि काला पानी की सजा भुगत करके मां आजादी की जंजीरों को तोड़ने की तपस्या करने वाले उन वीरों में कौन किस जाति में पैदा हुआ था? क्या कभी किसी ने चर्चा की? भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में कौन जाति थी कौन जाति नहीं थी,
किस जाति के नेता के साथ कौन था, ये न कभी किसी ने चर्चा की न ही किसी को पता था। सभी ने एक ही बात कही, भारतीय होकर एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। किया कि नहीं किया, आजाद हुआ कि नहीं हुआ, सबने अपने आप को भारतीय कहा कि नहीं कहा, हर एक के दिल में मां भारती थी कि नहीं थी। भाइयों बहनों, उस दौर में सब आजादी के दीवाने थे, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अब आज भी आजादी के 70 साल के बाद, और जब हम आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं, ये चुनाव आजादी के 75 साल के पहले का आखिरी चुनाव है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे तब एक और पड़ाव पर हम आए हैं। जितनी उत्कंठा, जितनी बेचैनी, जितनी छटपटाहट आजादी पाने के लिए थी, आज वही मिजाज विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जाति के बंधनों को तोड़कर देश ने एक बार फिर स्वराज जैसे हासिल किया था, वैसे फिर जाति बंधनों को तोड़कर सुराज्य हासिल करेगा। आजादी ने स्वराज्य दिया, ये जागरूकता सुराज्य देने वाली है। लेकिन भाइयों और बहनों, नए भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपको ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो वापस देश को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगे गए,